Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the last lecture video of exudative products and their elimination. In this video, we will discuss net filtration pressure, mechanism formation of urine, its regulation, micturination and disorder of the excretory system. सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन जो है वो देखा था एंड आई होप आपने जो है उस चीज की जो प्रैक्टिस है वो भी कर ली होगी. अब हमें उससे आगे चलना है. अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन. आई थिंक आपको ये डायग्राम जो है वो याद होगा. इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि जो रीनल आर्टरी जो है उससे जो है आर्टियोल जो है वो निकलते हैं, किडनी के अंदर जाती है एंड उसके बाद जो है ये नेफ्रॉन तक पहुंचती है, ग्लोमेरुलस बनाती है एंड वहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो होता है. सो आज हम यही देखेंगे कि जो किडनी है उसके अंदर फिल्ट्रेशन किस रेट से होता है. वेल, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन उसी रेट से ही होगा जिस रेट से उसके अंदर ब्लड आने लग रहा होगा. अब किस रेट से ब्लड आने लग रहा होगा हम उसको कहते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर कितना लगने लग रहा है कि ब्लड जो है वो आ जाए. सो ब्लड कहां पर आता है वो हम पहले देखते हैं. लेट्स से ये हमारा नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है एंड जो नेफ्रॉन का ये हमारा नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है एंड इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आती है कैपिलरी और जो इसके अंदर कैपिलरीज आती हैं उन कैपिलरीज के एंड पे आर्टियोल जो है वो प्रेजेंट होता है. सो यहां पर भी आर्टियोल जो है वो प्रेजेंट है और यहां पर भी आर्टियोल जो है वो प्रेजेंट होता है. आर्टियोल आई होप आपको क्लियर होगा आर्टियोल क्या होता है. तो आर्टियोल क्या है? आर्टरी के और छोटे जो लुमेन वाला जो ब्लड वेसल होती है उसको हम बोलते हैं आर्टियोल. और ये जो आर्टियोल है ये किसी ना किसी आर्टरी से जो है वो आने लग रही होगी. नाम क्या उसका? रीनल आर्टरी. तो यहां से जो भी ब्लड आने लग रहा होगा इस ग्लोमेरुलस के अंदर, जो ग्लोमेरुलस है वहां से चीज फिल्टर आउट होकर के कहां पर जाने लग रही होगी? नीचे की तरफ. यानी कि इसके अंदर जो ब्लड है उसका अल्टीमेटली यहां पर क्या बनने लग रहा होगा? फिल्ट्रेट जो है वो बनने लग रहा होगा. ठीक है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बनेगा? अब फिल्ट्रेट उतना ही बनेगा जितना ब्लड का प्रेशर जो है उस इस ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने लग रहा होगा. अब वो कितना निकलने लग रहा होगा तो उसके लिए हम देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा यानी कि ब्लड किस रेट से बाहर आने लग रहा होगा? वेल, एक तो यही है कि हार्ट जो है वो कितने प्रेशर से किडनी के पास ब्लड को भेजने लग रहा होगा. क्या कंप्लीट ब्लड ही फिल्टर आउट होता है? नहीं, ब्लड का केवल प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट होता है. तो इसका मतलब ब्लड के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर कितना प्रेशर है? तो ब्लड के लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर है हम उसको बोलते हैं ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. कितना होता है ये? 60 mmHg होता है. तो हार्ट से जितनी दूर जाते हैं उतना इसके अंदर प्रेशर कम होता चला जाता है. और अगर हम आर्टरी के अंदर देखें, जो रीनल आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड के लिक्विड का प्रेशर होता है वो 60 mmHg होता है. तो 60 mmHg यानी कि 60, अगर यहां पर 60 mmHg अगर प्रेशर है तो ये इसी 60 mmHg प्रेशर से जो ब्लड का प्लाज्मा है उसको बाहर निकालेगा. लेकिन क्या कोई रोकने वाला नहीं है? बिल्कुल है भाई. ब्लड एक टिश्यू है और टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल भी है और बहुत सारी सॉलिड पार्टिकल जो है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट है जो उस ब्लडी को मेंटेन रखते हैं. तो भले ही लिक्विड जो है यहां से बाहर निकलता हो लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल जरूर होगा जो इनको बाहर निकलने से जो है वो रोके. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है तो वो इस प्रेशर को कम करेगा. तो यानी कि एग्जैक्टली 60 होता नहीं, उसको कम करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं. अब कौन सा फैक्टर? एक तो ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वही रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. और ये कितना होता है? 32 mmHg होता है. अब अगर इतना प्रेशर अगर कम हो गया तो इतना सफिशियंट है भाई? बिल्कुल. यानी कि 60 में से अगर आप 32 घटा दोगे तो ये कितना हो गया? तो 8, 2, 10, 4, 5, 6. तो इसका मतलब 60 का तो प्रेशर लगता है लेकिन यहां से यहां अगर बाहर निकलता है तो 28 mmHg के प्रेशर से जो लिक्विड जो है बाहर निकलता है.
इसका मतलब 28 mmHg के प्रेशर से जो ब्लड है वो तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहां से यहां पास करने के लिए स्पेस जो है वो रिलेटिवली कम है। तो अगर वो रिलेटिवली कम है तो ये तो थोड़ी सी देर में लिक्विड से जो है भर जाएगा, एंड फिर वो चाय की पत्ती वाली प्रॉब्लम होगी कि भाई चाय तो ज्यादा डाल दी लेकिन वो उतना जा नहीं पाएगा क्योंकि जो नीचे की चीज जो है वो फेवर नहीं करने लग रही। तो जो कैप्सूल है वो खुद ज्यादा लिक्विड ले नहीं सकता, तो वो भी कुछ रोकता है। वो क्या, वो जिस चीज को रोकता है हम उसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कितना होता है ये? -18 mmHg। अगर आप इन तीनों को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 - 50 हो जाएगा, यानी 10 mmHg। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ब्लड है, पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं जो ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा जो है वो 10 mmHg के प्रेशर से कन्वर्ट होने लग रहा है। किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर जो है कन्वर्ट होने लग रहा है। आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि 10 mmHg का प्रेशर लगता है ग्लोमेरुलस के ऊपर, एंड जो ब्लड का प्लाज्मा है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर। फिल्ट्रेट का मतलब कि ब्लड का वो प्लाज्मा जो फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर जो है जा चुका है। लेकिन जो ये नेफ्रॉन के अंदर जाता है वो कितनी उसकी वॉल्यूम जो है वो जा पाती है? हमने प्रेशर तो देख लिया भाई कितना लगा, 10 mmHg जो है वो लगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई कितना लिक्विड जो है वो गया, तो देखिए हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट जो है उसका कार्डियक आउटपुट होता है कितना? 5 लीटर लगभग, ठीक है, लगभग 5 लीटर जो है होता है। हालांकि 5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हम मान लेते हैं 5 लीटर होता है। इसका केवल 1/5 पार्ट लगभग है, कंप्लीट नहीं है, 1/5 पार्ट जाता है किडनी के अंदर। 1/5 पार्ट यानी कि 1 लीटर, केवल 1 लीटर ही किडनी तक पहुंचता है उस 1 मिनट के अंदर। ये कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है, तो किडनी तक जाएगा कितना? लगभग 1 लीटर जो है पहुंच पाता है, तो लगभग है, थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता है। तो किडनी के पास कितना पहुंचता है? 1100 से अराउंड 1200 ml तक जो है पहुंचता है, यानी कि लगभग 1 लीटर जो है वो पहुंचता है। अब जो ये किडनी तक पहुंचा है क्या ये पूरा फिल्टर आउट होगा? नहीं, ये पूरा फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर कौन सा होगा? फिल्टर जो है ब्लड का केवल प्लाज्मा होगा, और ब्लड का प्लाज्मा कितना है? ब्लड का प्लाज्मा जो है वो केवल 55% है ना। तो 1100 से 1200 अगर हम इसका अगर प्लाज्मा देखे तो प्लाज्मा कितना होगा? तो प्लाज्मा होगा लगभग 650 ml, एस्टिमेट है, लगभग 650 ml जो है वो एक्चुअल फिल्टर आउट होता है, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा। यानी कि 1 मिनट के अंदर यहां पर जो फिल्टर होने के लिए ब्लड का प्लाज्मा आया है वो कितना है? 650 ml। अब वो कितना फिल्ट्रेट जो है वो बन पाता है? तो 650 के ऊपर 10 mmHg का प्रेशर लगा, और जब 10 mmHg का प्रेशर लगता है तो ऑलमोस्ट 20% ही फिल्ट्रेट बन पाता है, यानी कि लगभग 125 ml ही फिल्ट्रेट जो है बन पाता है। यानी कि प्लाज्मा कितना आया 1 मिनट के अंदर? 650 ml आया, और उससे फिल्ट्रेट कितना बना? फिल्ट्रेट बना 125 ml। इतनी चीज क्लियर है भाई? 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड फिल्टर होता है, यानी फिल्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो होता है 125 ml। इसको बोलते हैं हम GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड का प्लाज्मा जो है वो कन्वर्ट हुआ फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 125 ml नॉर्मली जो है कन्वर्ट हो पाता है 650 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जिसके ऊपर 10 mmHg का प्रेशर लगता है। तो इसको हम फिल्ट्रेट फ्रैक्शन जो है वो भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या ये चीज ज्यादा या कम हो सकती है, यानी कि 125 से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है? बिल्कुल भी, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्या इसे कोई फायदे और नुकसान है? बिल्कुल है। जैसे कि अगर आप मान लो अगर आपके ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर ज्यादा होने लग रही है, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा है वो ज्यादा फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होने लग रहा है, तो ब्लड के न्यूट्रेंट काफी सारे जो है वो बाहर यानी यूरिन पे जो है चले जाएंगे, तो इसमें तो बॉडी का लॉस है। अगर मान लो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर स्लो होती हो तो उसमें क्या नुकसान है?
ब्लड के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है, वेस्ट भी प्रेजेंट है। अगर फिल्टर होगा ही नहीं तो वेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और जो वेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉइजन जो है वो बना देगा, जिसकी वजह से जो पर्सन की लाइफ जो है वो थ्रेटन जो है होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 125 ml आने लग रहा है ये रेगुलर आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो, अगर ये नहीं आया तो भाई फिर कोई ना कोई डिजीज जो है हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन जो है एक्युमुलेट होने लग रहेगा। सो देयर आर सर्टेन रेगुलेशन थ्रू विच GFR मेंटेन इट्स रेट। अब वो कौन कौन से रेगुलेशन है? नंबर वन पे मायोजेनिक रेगुलेशन। मायोजेनिक रेगुलेशन क्या है? अगर मान लो फिल्ट्रेशन प्रेशर कम है और फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर बढ़ाना है तो क्या करें, ये जो आरटीओल जो है इनका डायमीटर जो है छोटा कर दें। अगर इनका डायमीटर छोटा कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे भाई ये होगा कि जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जीएफआर इंक्रीज हो जाता है कब? इंक्रीज हो जाता है जब आरटीओल आरटीओल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उस टाइम पे ये बढ़ जाता है ताकि नॉर्मल जो है वो किया जा सके। ठीक है, अगर कम करना हो तो क्या करें, कम करना हो तो जो रीनल आर्टरी जो है उसका डायमीटर जो है वो कम कर दो। अगर रीनल आर्टरी का अगर डायमीटर कम होगा तो, रीनल आर्टरी का अगर डायमीटर कम होगा तो आर्टियोल के अंदर ब्लड जो है वो कम जाएगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसके साथ में बहुत सारी ब्लड वेसल कनेक्टेड है। अगर बहुत सारी ब्लड वेसल उसके साथ में कनेक्टेड है सो इट मीन्स कि अगर किसी एक ऑर्गन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होने लग रही है तो वहां पे ब्लड जो है वो थोड़ी ज्यादा टाइम जो है वो लगाएगा, तो वो जो ब्लड जो पास ऑन हो जाए किसी और जगह तो ब्लड की वॉल्यूम यानी ब्लड जो है वो कम आएगा, और ब्लड कम आएगा तो जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। और वो कम कब हो जाता है? जब आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। अब आर्टीओल कब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं? जब मायोजेनिक कंट्रोल होता हो। एंड जो हमारा आर्टरी है वो कब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करता हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद है भाई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से जीएफआर जो है कम हो जाता है। और जीएफआर कम कैसे होता है? क्योंकि आर्टरी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी तो जो ब्लड आना होगा इसके अंदर वो रिलेटिवली कम आएगा, और जब ब्लड कम आएगा तो ऑटोमेटिकली जितना फिल्ट्रेशन होता होगा उतने इससे जो है वो कम होगा। इसके अलावा एक तीसरा कंट्रोल भी है जिसको बोलते हैं हम रास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रास पाथवे है वो भी जीएफआर को रेगुलेट जो है वो कर लेता है। तो रास के बारे में हम पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा उसको बाद में। अगर यूरिन फॉर्मेशन अगर करनी हो तो उसके लिए प्रोसेस होगी पहली, कौन सी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है, जिसके अंदर हमने अभी देखा कि 10 mmHg का प्रेशर उसके ऊपर लगता है और 20% जो है फिल्ट्रेट जो है प्लाज्मा का बन जाता है। दूसरा होता है री एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जो फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर जा चुके हैं उस नेफ्रॉन में से जो एसेंशियल चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएं और वेस्ट जो है वो वापस उसके अंदर डाल दे, यानी कि सिक्रीशन जो है उसके अंदर कर दे। तो यानी कि यूरिन बनाने के लिए तीन प्रोसेस होती है, कौन कौन सी? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है। ठीक है, हम इसको डायग्रामेटिकली जो है वो समझते हैं। तो एक प्रोसेस हमने देख ली जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि 750 ml का ब्लड जो है ब्लड का प्लाज्मा इसके ऊपर आता है, उसके ऊपर लगता है 10 mmHg का प्रेशर, और 10 mmHg के प्रेशर से 125 ml जो है फिल्ट्रेट जो है बन जाता है। उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या सारी चीज जो है वो खराब ही है, क्या कोई अच्छी चीज नहीं है? ब्लड का प्लाज्मा उसके अंदर क्या क्या होता है? अब ब्लड का प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, उसके अंदर अमीनो एसिड भी होते हैं, उसके अंदर
सेल्स भी होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेल और बड़े पार्टिकल तो फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाते, लेकिन जो छोटे पार्टिकल है वो जरूर नीचे आ जाते हैं। अब वो अगर यहां से डायरेक्टली यूरिन के अंदर चला जाए तो उससे तो बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए एक दूसरी प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। दूसरी प्रोसेस का नाम है क्या? रीअब्जॉर्प्शन। और जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, उस रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर चले गए हैं, वो न्यूट्रिएंट वापिस इसके अंदर जो है आ जाते हैं, यानी ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहां से जो इफ्रंट आर्टियोल निकलती है वो फिर दोबारा से यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है बना देती है। तो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरी है उसके अंदर फिर से जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होना जो है वो स्टार्ट होता है। एंड इसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब होके वापिस ब्लड के अंदर आ जाता है, जो ब्लड प्लाज्मा थ्रू चला गया था। हॉर्मोन जो है वो वापिस इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड हो गए, वो वापिस जो है इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा सोडियम आयन हो गए, क्लोरीन आयन हो गया, इसी तरीके से जैसे वाटर जो है वो भी यहाँ पर स्लाइटली कुछ अमाउंट में जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, ये भी इसके अंदर जो है वो आ जाता है साथ में। HCO3 जो है वो भी इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो गया। सो जो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर ATP जो है वो यूज होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसके अंदर ATP यूज नहीं होती। जैसे कि वाटर है वो डायरेक्टली ऑस्मोसिस द्वारा होता है, तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ आयन्स है उनके ग्रेडियंट बनने की वजह से जो है वो चैनल के थ्रू जो है पास ऑन हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी एनर्जी जो है वो नहीं लगती। लेकिन कुछ सोडियम पोटेशियम के पंप है वो एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। साथ में ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है वो पास होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कि आयन जो है वो ग्रेडियंट बनाए एंड एनर्जी यूटिलाइज करे, और उन आयन के साथ में जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो बाइंड होकर के वापस अपने ब्लड के अंदर जो है वो आ जाए। ठीक है, तो अराउंड आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा था कि जो PCT है हमारा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा है। तो अराउंड 65% तक जो रीअब्सॉर्प्शन जो है, 65% जो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हो जाता है कहां? PCT के अंदर। और भी दूसरी जगह रीअब्सॉर्प्शन होता है बिल्कुल, उसके बाद ल्यूकोफैनी आ जाता है, नीचे की तरफ जो लिम्फ जाती है वो डिसेंडिंग लिम्फ, ऊपर की तरफ आती है वो असेंडिंग लिम्फ। यहाँ पर जो वाटर जो है वो रिलीज होता है, और इस साइड में जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम जो है वो रिलीज जो है वो होता है। तो एक साइड में आयन जो है वो ज्यादा रिलीज होते हैं, एक साइड पे रिलेटिवली कम होते हैं। यहाँ पर एक अलग से मैकेनिज्म भी होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद में हमारा DCT जो है वो स्टार्ट हो जाता है। DCT इम्पोर्टेंट है, DCT के ऊपर कुछ हॉर्मोन जो है वो एक्ट करते हैं, जैसे ADH एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन जो है वो हेल्प करता है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा एक हॉर्मोन है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हॉर्मोन। पैराथायरॉयड हॉर्मोन क्या करता है? जो कैल्शियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा देता है। इसके अलावा एक अलग से भी हॉर्मोन है जो हेल्प करता है सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन भी एक्ट करता है ताकि सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो। ADH जो है वो भी एक्ट करता है ताकि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो, और PTH जो है वो भी हेल्प करता है कि कैल्शियम आयन की जो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो। साथ में जो ADH है वो यहाँ पर भी एक्ट करता है, यहाँ पर से जो वाटर निकलता है यहाँ पर भी कौन एक्ट करता है? ADH जो है वो यहाँ पर एक्ट करता है। साथ में यहाँ पर जो है सोडियम की एब्जॉर्प्शन, क्लोरीन आयन की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होती है, बट ADH का एक्शन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे ज्यादा होता है और यहाँ पर जो है ज्यादा होता है। तो आई थिंक रीअब्सॉर्प्शन जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक प्रोसेस और होती है जिसको थर्ड प्रोसेस बोलते हैं, और जो थर्ड प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का क्या मतलब है? सिक्रीशन का मतलब है कि ब्लड से मटेरियल लिया और किसके अंदर डाल दिया? हमारे जो नेफ्रॉन्स है उसके अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो आ जाती है?
सिक्रेशन कई सारी चीजों का होता है, सिक्रेशन कौन कौन सी चीजों का, जैसे कि हमारी मसल के अंदर एक वेस्ट बनता है जिसका नाम है केराटिन, तो केराटिन जो है वो इसके अंदर जो है डंप कर दिया जाता है। फ्रूट से जो वेस्ट बनता है यूरिक एसिड, वो इसके अंदर जो है वो डंप कर दिया जाता है। हमारी ब्लड की पीएच काफी ज्यादा ना हो इसलिए जो एच आयन जो है अमोनिया जो है उसको इसके अंदर जो है डंप कर दिया जाता है, यानी पीसीटी के अंदर मैक्सिमम जो डंपिंग है वेस्ट की वो इसी जगह पे होती है। अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यूरिया जो है वो यहाँ पर सिक्रीट जो है वो होता है, तो जो सिक्रीशन है वो अल्टीमेटली यूरिया का भी होता है। अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर भी सिक्रीशन होता है, और यहाँ पर जो सिक्रीशन होता है वो कैन बी जो आयन है उसका साथ में जो अमोनियम आयन जो है उसका सिक्रीशन जो है इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। तो जो यूरिन बनता है वो जो यूरिन बनता है वो किससे बनता है, पहले फिल्ट्रेशन करके, और फिल्ट्रेशन में से जो रीअब्सॉर्ब हो गया उससे, और जो रीअब्सॉर्ब हो गया उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीट करके, तो लास्टली जो बनता है वो यूरिन बनता है, ठीक है। तो नॉर्मली 125 ml जो है वो एक मिनट के अंदर फिल्ट्रेट जो है वो बनता है। अगर हम एक घंटे में देखें तो कितने गुणा में 60 कर दो, अगर हम पूरे दिन का देखें तो दिन में 24 घंटे 24 से गुणा कर दो, यानी कि लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, ठीक है। इस फिल्ट्रेट में से यूरिन कितना बनेगा, ठीक है, यानी कि यूरिन फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हुआ और सिक्रीशन जो है वो हुआ, तो इसका केवल 1% 180 का केवल 1% ही, यानी कि लगभग 1.8 लगभग लीटर जो है यूरिन बनता है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में जो है वो 1.5 दे रखा है, किसी में 1.7 1.6 दे रखा है, तो कुल मिलाकर के जितना फिल्ट्रेट होता है उसका लगभग जो है केवल 1% जो है वो होता है। अब इसमें कुछ रेगुलेशन आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि होम्योस्टेसिस जो है इसी की वजह से अगर बनने लग रहा है तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से मेंटेन होता है। तो अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस किस तरीके से बनाती है, तो सिंपल सा है, अगर बॉडी के अंदर वाटर की अगर कमी होने लग रही है तो हमारे अंदर थर्स्ट जो है वो डेवलप हो जाती है हाइपोथैलेमस से, एंड हाइपोथैलेमस उसके साथ में कुछ हॉर्मोन जो है वो रिलीज करता है। तो जो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है क्या, एडीएच, और जो एडीएच है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर निकल के डीसीटी एंड जो क्लेक्टिन ट्यूब्यूल है वहां पे एक्ट करता है, एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब जो है वो ज्यादा करता है। और वाटर की जब रीअब्सॉर्प्शन अगर ज्यादा होगी तो बॉडी के अंदर जो जैसी वाटर की कंपोजिशन थी वापस कंपोजिशन वही हो जाती है, यानी कि वापस जो है नॉर्मल हो जाता है। और होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरीके से मेंटेन हो जाता है, मान लो बॉडी के अंदर आयन्स की कमी हो चुकी है, ठीक है, तो आयन की जब कमी होती है तो यहां पर कहां पे हमारा जो डीसीटी का पार्ट यहां पर गया हुआ है, यहां पर कुछ लंबे लंबे सेल है, याद है भाई किसी को इन सेल का नाम क्या है, इन सेलों का नाम है क्या, मैक्यूला डेंसा। और मैक्यूला डेंसा सेंस कर लेता है, क्या सेंस करता है कि आयन्स की जो कमी जो है वो होने लग रही है। अगर आयन्स की कमी होगी तो यहां पर कुछ नोड जो है वो प्रेजेंट है, और जो नोड यहां पर प्रेजेंट होते हैं वो नोड रिलीज करते हैं रेनिन, ठीक है, और रेनिन जो है वो क्या करते हैं, तो जो एल्डो हमारा जो लीवर है वो सिक्रीट करता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन। और जब रेनिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, अगर रेनिन जो है इसके ऊपर अगर एक्ट करेगा, रेनिन जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट हुआ है, पर्टिकुलरली जो ग्लोमेरुलस है उसके साथ में जो नोड प्रेजेंट है उन्होंने सिक्रीट किया है, ये इसको बना देते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं। एंजियोटेंसिन जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड के ऊपर एक्ट करती है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड,
और जो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो पर्टिकुलरली उसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको प्रैक्ट करती है एंड वो सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन। और जब एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है तो ये एक्ट करता है कहां पे, डीसीटी के ऊपर। और जब डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है तो सोडियम आयन की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और जब सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ में वाटर भी आता है, और जब ये वाटर आएगा तो इसके साथ में वाटर जो है वो भी रीअब्सॉर्ब जो है वो होने लग जाता है। और इन दोनों से क्या होता है, जो ब्लड की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है एंड जो प्रेशर जो है फिर से नॉर्मल जो है वो हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर अगर काफी ज्यादा हो तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसकी एट्रियम जो है वो रिलीज करते हैं एएनएफ, एंटी एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, और वो क्या करती है इस रास पाथवे को बंद कर देती है, एडीएच को जो है वो बंद कर देती है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। एंड उससे क्या होता है, जो प्रेशर जो है वो फिर से डाउन हो जाता है क्योंकि वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। अगर ब्लड वेसल के अंदर डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो डायमीटर ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर स्पेस जो है वो ज्यादा होगा तो ब्लड जो है आराम से उसके अंदर फ्लो जो है वो हो जाएगा। आई थिंक ये तीन रेगुलेशन जो है आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम अगला पार्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम मिक्ट यूरेशन। मिक्ट यूरेशन होता है यूरिन का बाहर निकलना यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिन जो बाहर निकलता है उसके पीछे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको आपको इमेजिन करना है कि पैरा यानी एम्प्टी, यानी एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो क्या करे, एम्प्टीनेस जो है वो करे। एम्प्टी कैसे कर सकता है, देखो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके साथ में यूरेथ्रा अटैच है और उसके साथ में स्पिंटर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो पैरा नर्वस सिस्टम है, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ये जो स्पिंटर है इंटरनल स्पिंटर इसको खोल देती है। और जब ये खुलता है तो यूरिनरी ब्लैडर बिक चुका है एंड यूरिन का प्रेशर नीचे होने लग रहा है, और जब यूरिन का नीचे प्रेशर होने लग रहा है तो अर्ज ऑटोमेटिकली जो है काफी ज्यादा हो जाएगी एंड नीचे जो है सोमेटिक नर्व जो है प्रेजेंट होते हैं उससे ये खुल जाता है, और खुलने के बाद में यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। तो यानी यूरिन जो बाहर निकलता है वो किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, एंड वो किस वजह से, क्योंकि ये जो डेट्रोसोर मसल जो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर देती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर, एंड ये क्या करता है, ये इसको फिर से अपनी उसी शेप के अंदर ले आता है एंड यूरिन जो है स्टोर होता है, साथ में ये जो स्पिंटर है उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर देता है जिससे कि यूरिन जो है पास ना हो, ठीक है। तो आई होप इतना सा सफिशियंट है याद रखने के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्किप हो गया था, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट का मतलब क्या है, अपोजिट फ्लो, एक इस साइड से फ्लो होने लग रहा है तो दूसरा जो है इस साइड से फ्लो होने लग रहा है, अपोजिट फ्लो को हम बोलते हैं काउंटर करंट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन के अंदर, पर्टिकुलरली लोपोफेनली के अंदर, एंड उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होती है और यूरिन हाइपरटोनिक ज्यादा बनता है, जिससे कि यूरिन जो निकलता है उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस यानी सोल्यूट जो है ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो पानी की जो बचत जो है यानी कंजर्वेशन जो है वो हो जाती है। तो वाटर की कंजर्वेशन करने के लिए एक स्पीसीज के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन ये काम करता कैसे है तो इसको समझते हैं अभी। हमारा लूपोफेनली है, उसके अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो कैसे होता है, फिल्ट्रेट का फ्लो एक नीचे की तरफ और एक फिल्ट्रेट का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो होता है। तो इसका मतलब फ्लो कैसा हो गया, काउंटर यानी अपोजिट फ्लो जो है वो हो गया। एक जो लिंब नीचे की तरफ जाने लग रही है उसको हम कह देते हैं असेंडिंग लिंब, सॉरी नीचे की तरफ जाने लग रही है तो डिसेंडिंग लिंब हो गई, एंड एक अगर ऊपर की तरफ जाने लग रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये कैसी लिंब है, ये असेंडिंग लिंब है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लिंब है वो इम्परमिएबल है किसके लिए, आयंस के लिए, लेकिन वो परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए।
जो हमारी असेंडिंग लिंब है वो इम्परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, लेकिन ये परमिएबल है किसके लिए, आयंस के लिए। आयन यानी कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया एक्सेट्रा, कई सारे आयन के लिए जो है परमिएबल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइड से आयन जो है निकलते हैं तो उससे ओस्मोलरिटी जो है वो बढ़ती है, यानी आयन जो है काफी ज्यादा। अब आयन निकलते कहां पे है, अब नेफ्रॉन के बाहर क्या प्रेजेंट, नेफ्रॉन प्रेजेंट कहां पर होते हैं, जो मेट जो कोर्टेक्स है उस रीजन के ऊपर, एंड लुपोफैनी जो है वो मेडुला रीजन के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। तो अगर मेडुला रीजन के अंदर अगर आयन निकलने लग रहे तो आयन निकल के जाएंगे कहां पे, तो वो जो रिनल पिरामिड है वहीं पे जाएंगे, और रिनल पिरामिड के अंदर जो स्पेसेस होंगे वहां पर पर्टिकुलरली ये कहां पर जाएंगे, जो इंटरस्टीशियल फ्लूड जो है उसके अंदर जाएंगे। अगर फ्लूड के अंदर जाएंगे और आयन काफी ज्यादा निकलने लग रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ओस्मोलरिटी को जो है वो बढ़ा देंगे, तो कुछ ग्रेडियंट बन जाते हैं। जैसे अगर ऊपर की तरफ देखें तो 300 मिली ओस्मोल जो है वो बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि आयन कम निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है तो 600 मिली ओस्मोल जो है वो बन गया, फिर उसके बाद में 900 मिली ओस्मोल जो है वो बन गया, फिर उसके बाद में 1200 मिली ओस्मोल जो है वो बन गया। अब जैसे नीचे जाने लग रहे हैं ओस्मोलिटी बढ़ने लग रही है, ओस्मोलिटी का मतलब सोल्यूट जो है वो बढ़ने लग रहा है। अब सोल्यूट क्यों बढ़ने लग रहा है, क्योंकि लुपोफैनी जितना बड़ा होगा उतनी असेंडिंग लिंब जो है वो ज्यादा आयन बाहर निकाल लेगी, कहां पर, इंटरस्टीशियल फ्लूइड के अंदर, और इंटरस्टीशियल फ्लूइड के अंदर जितना वो बाहर निकालेगी तो फ्लूइड में बह बह के वो नीचे की तरफ आएंगे, एंड नीचे की तरफ जो है जो मेडुला वाला रीजन है वहां पर ओस्मोलिटी काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ की तरफ जो है ओस्मोलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी कम होगी, और यहाँ पर जो है कम जो है वो होगी, एंड इसकी वजह से एक अलग काम होता है। वैसे एक रीजन और है जो ओस्मोलिटी और बढ़ाता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो रिलीज करता है यूरिया, और यूरिया भी क्या करता है, ओस्मोलिटी को बढ़ाता है, और टोटल मिला के कंडीशन कैसी बना देता है, हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो बना देता है। अब लुपोफैनी के साथ के इसके नीचे प्रेजेंट होती है क्या, एक ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अगर इसके साथ में अगर ब्लड वेसल अगर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं वास रेक्टम, तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देती है, और वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ये इस वाटर को ले जाती है कहां पर, जो रीनल वेन जो है वहां पर ले जाती है। तो पानी जो फिल्ट्रेट के अंदर आया था वो फिल्ट्रेट से वापस कहां पे चला गया, रीनल वेन के अंदर चला गया, तो इसका मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अब यहां से जो यूरिन निकलता है उसके अंदर वाटर तो काफी ज्यादा कम होगा, इसका मतलब यूरिन कैसा निकलेगा, यूरिन निकलेगा हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो निकलता है बिकॉज ऑफ दी काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। हम आगे अपना जो है, तो कुछ एबनॉर्मलिटी है ह्यूमन यूरिन के अंदर अगर वो आ जाए, तो जैसे अगर एल्ब्यूमिन अगर ज्यादा आने लगने लग रहा है यूरिन के अंदर, नॉर्मली आता नहीं है, एल्ब्यूमिन का काम क्या है ब्लड के अंदर ओस्मोलिटी जो है वो मेंटेन करना, लेकिन अगर एल्ब्यूमिन ज्यादा यूरिन के थ्रू अगर बाहर निकल गया तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ओस्मोलिटी मेंटेन नहीं आ पाएगी। तो अगर एल्ब्यूमिन निकलने लग रहा है तो एल्ब्यूमिन यूरिया जो है वो बोल दिया, ग्लाइको यूरिया ग्लाई यानी कि ब्लड ग्लूकोज यानी डायबिटीज जो है वो उसको डिजीज हो जाए तो ग्लूकोज जो है वो निकलने लग रहा है, हिमेट यानी कि जो ब्लड की जो सेल है अगर वो बाहर निकलने लग रही है तो उसको हिमेटो यूरिया जो है वो कह देते हैं, किटोबोडीज यानी कि जो भूखा होने के बाद में जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं वो जब बॉडी से बाहर निकलते हैं तो किटो यूरिया कह देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन अगर ब्लड के थ्रू अगर बाहर निकलने लग रहा है तो हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिमा यूरिया अगर ज्यादा बनने लग रहा है, पायरिया यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर पस यानी डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर निकलने लग रही है, डायबिटीज इंसिपिडस, दो टाइप की डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज मिलेटस जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस ये एडीएच की वजह से होता है, पर्टिकुलरली जो एडीएच जो है वो काफी ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है तो उसका रिलीज नहीं हो पाता तो यूरिन काफी ज्यादा निकलता है, प्यास जो है वो काफी ज्यादा लगती है तो उस कंडीशन को बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। किडनी के अंदर देखा आपने कि ढेर सारे किडनी के जो है वो फंक्शन होते हैं, जैसे ओस्मोलिटी मेंटेन जो है वो रखना, ओस्मोलिटी कैसे मेंटेन रखता है उसने, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन करके, बहुत सारे आयन उसने बाहर निकाल दिए, कुछ उसने अंदर जो है वो डाल दिए। इसी तरीके से ब्लड की पीएच, जो एच आयन उसने बाहर निकाले हैं यानी कि
एक्सिट आउट जो उसने किए हैं यानी सीक्रेशन किए हैं, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर बफर जो है वो बना रहता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बाहर जो है निकाल पाता है। तो यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने के लिए एडीएच जो रिलीज होता है, रास जो यूज होता है, तो वे दोनों जो है ब्लड को जो है ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन करते हैं। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन के साथ लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम। सो देर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद द किडनी, और डिसऑर्डर क्या क्या है, यूरिमा, ठीक है, अगर यूरिया काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, नॉर्मली होता नहीं है, अगर होने लग रहा है इसका मतलब किडनी जो है वो ठीक से काम नहीं करने लग रही, उस टाइम पे डायलिसिस जो है वो किया जाता है। रिनल फेलियर, ठीक है, यानी किडनी जो है वो अपना अच्छे से काम नहीं करने लग रही, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करने लग रही, तो उसके अंदर भी हीमोडायलिसिस जो है वो किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस जो है वो डायलाइसिंग एक बैग होता है जिसके अंदर ब्लड की कंपोजिशन और उस डायलाइसिंग फ्लूड की कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन वेस्ट जो है उसके अंदर नहीं होता। तो हम एक सेल फोन ट्यूब जो है हमारी आर्टरी से निकाली जाती है, एंड वो सेल फोन ट्यूब जो है उस डायलाइसिंग बैग के अंदर सर्कुलेट होती है। सर्कुलेशन के अंदर जो डायलाइसिंग फ्लूड जो है वो उसके साथ में एक ग्रेडियंट बनाता है, लेकिन चूंकि दोनों की कंपोजिशन सेम है तो सोल्यूट का यानी कि दूसरी चीजों का ग्रेडियंट नहीं बन पाता, लेकिन वेस्ट का ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो तो बाहर निकल जाता है, बाकी चीजें ऐसी कैसी होती है, और फिर वापस ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। सो ये एक इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका एक अल्टरनेटिव भी है, और अल्टरनेटिव क्या है कि अगर किसी पर्सन की अगर किडनी मिलती हो लेकिन वो क्लोन होना चाहिए, बिकॉज हमारी जो टी मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो उसके अंदर ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली ग्राफ्ट को रिजेक्ट जो है वो कर देते हैं। सो देर आर दीज डिफरेंट रीजन थ्रू विच ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड। इसके आगे अगर हम देखें रीनल कैलकुले, यानी कि जो किडनी है उसके अंदर किडनी स्टोन हो गए, जो ऑक्सीडेट जो साल्ट होते हैं वो सोलिडिफाइज हो जाते हैं। नेफ्राइटिस, आइटस, आइटस लग गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन किसकी, नेफ्रॉन के अंदर, पर्टिकुलरली जो किडनी है उसके अंदर कैलेक्स के अंदर जो है अगर इन्फ्लामेशन अगर हो जाती है तो उसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। हाइपरटेंशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है भाई, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर उसको विद द हेल्प ऑफ आर्टरी के लुमेन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके जो है रेगुलेट जो किया जाता है, बट अगर कंटिन्यूअसली अगर हाई बीपी रहता है तो उसकी वजह से किडनी जो है खराब होती है, क्योंकि जो जीएफआर कंटिन्यूअसली ज्यादा ही रहेगा, एसेंशियल आयन जो है निकलते रहेंगे, साथ में प्रेशर ज्यादा है तो जो कैपिलरी है उनको भी वो ब्रेक जो है करेगा। ओडिमा, ओडिमा यानी कि स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी किस वजह से, क्योंकि जो इंटरस्टीशियल फ्लूड जो है वो ज्यादा हो गया, तो बॉडी के अंदर अगर कहीं पे स्वेलिंग होती है तो एट दैट मीन्स माइट भी हो सकता है कि वो किडनी ये ठीक से फंक्शन ना करने की वजह से होते हो। डायबिटीज इंसिपिडस, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एडीएच की डेफिशिएंसी जो है ज्यादा हो जाती है, थर्स्ट जो हो काफी ज्यादा जो हो लगता है। आई होप आपको ये फुल चैप्टर जो है समझ में आएगा, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट करें, एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दी चैनल।